ये कहानी है एक डरावनी रात की। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था, आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह गुजरात पहुंच गया था। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसके बजट में सस्ता होटल मिल नहीं रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की घूंघरू की आवाज सुनाई दी। वह रात एक डरावनी रात। बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए को इतनी रात को किसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वहां होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज सुनाई दे रही है। बंटी खिड़की पर काफी देर तक खड़ा रहा लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज सुनाई दे रही है, आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान के जैसी लगती है, आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज पहले से भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि एक काफी लंबी औरत है जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके काफी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर के होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है। लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया क्योंकि जिस औरत को वह सामने से देखा था अब वो नहीं दिख रही थी। बंटी अपने होटल में वापस जाना चाहा लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी जब ये सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये सब नजारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि वह चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज से यहाँ तक तो मुझे लेकर आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहां से भाग गया ताकि भूत उसे देख ना ले, लेकिन भूत तो भूत होते हैं। बंटी जैसे ही वहां से भागने की कोशिश किया, वो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी जहां पर उसने लाशें रखी थी। बंटी हनुमान जी जाप करके इतनी तेजी से वहां से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वह अपने होटल वापस आ गया। वहां थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा आदमी है। वह बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई क्या हुआ तुम्हें, इतना डरे हुए क्यों हो? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूख किसी को भी नहीं छोड़ती और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो, इसको तो बंद हुए काफी साल हो गए। बंटी जब उस आदमी का इतना बात सुना तो उसका डर कर मारे पसीने निकले लगे। फिर वह आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़के उसका भयानक तरीके से रेप करके मार दिए थे। लड़की तो मर गई लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ी और जो भी रात के समय में इस रास्ते से गुजरता है सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब से ये होटल बंद है।
बंटी जब उस आदमी की पूरी बातें सुना तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ ना। बंटी उस आदमी को धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद वह भूलकर भी कभी अनजान जगह पर नहीं जाऊंगा।